How's the Josh? Hi sir. वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे. शर्म आनी चाहिए मुझे. Welcome back to my channel, This Side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really, really great. आज मैं अपनी लाइफ का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हूँ कि मेरा है ऑफ, वीकली ऑफ, और सुबह 7 बजे उठी हूँ मैं. नहाते नहाते मुझे 8 बज गए हैं, मीन्स एक घंटा ले लिया है क्योंकि मेरे को हेड वॉश करना था. बट कल मैंने आपको व्लॉग में एक चीज़ शेयर की थी कि आई हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. तो फिलहाल मैं जा रही हूँ और मुझे एटलीस्ट 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा. तो आई हैव जस्ट 1 आवर जिसमें से मेकअप करने में, तैयार होने में, कुछ खाने में बहुत टाइम चला जाएगा. और इतना डर लग रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे, बिकॉज़ आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो फिलहाल मैं कंफ्यूज भी हो गई हूँ, 2 ड्रेसेस में समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनूँ. लेट मी शो यू. सो फर्स्ट इज़ दिस वन, दिस इज़ अ बॉडीकॉन ड्रेस. एंड दिस वन जो मैंने हॉन्गकॉन्ग से ली थी, आपको दिखाया है मैंने किसी एक व्लॉग में, तो समझ नहीं आ रहा है कि ये पहनूँ या ये पहनूँ. तो फिलहाल मेकअप करके तैयार होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ. तो चलिए इस व्लॉग में चलते हैं आपको अपने साथ लेके, और आपको भी दिखाते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही थी. आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम. यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे. सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट ड्रेस. एंड एडिट करने के टाइम पे आई रियलाइज्ड कि माइक की बैटरी डेड हो गई थी और मैं फालतू में बड़बड़ा रही थी, और इसीलिए अभी मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर. और चलो अब मैं आपको सेकेंड ड्रेस दिखाती हूँ. सो दिस वॉज द सेकेंड ड्रेस. और इन दोनों के बीच में आई गॉट सो कन्फ्यूज कि कौन सी पहनूँ, बिकॉज आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा होने वाला है और मैं आज तक अभी भी स्पॉटलाइट में नहीं रही हूँ. तो आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार दिमाग में कि क्या पहनूँ. तो आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में थोड़ी सी हेल्प कर दो. वैसे तो ऑब्वियसली जब ये व्लॉग आएगा, मीन्स मैंने डिसाइड कर लिया है कि कौन से कपड़े पहनूंगी और पहन के चली भी गई हूँ, बट तब भी आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. तो ज़रूर लिख देना कि कौन सी अच्छी लग रही थी. तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी एंड थोड़ा बहुत मेकअप कर रही थी, बिकॉज कैमरे के सामने अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़रूरी है. अच्छे तो हम ऐसे भी दिखते हैं, एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल. सो मेकअप मीन्स यू आर जस्ट इन्हेंसिंग दोज फीचर्स, दैट ब्यूटी. सो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पर, और अंदर से इतना डर लग रहा था ना, और आज नर्वसनेस के चक्कर में सुबह सुबह लाइनर भी मेरा ख़राब हो गया, जिसके वजह से मुझे दोबारा से फेस वॉश करना पड़ा और दोबारा से सारा मेकअप करना पड़ा. बस नर्वस और स्ट्रेस में ना यही होता है. तो चलो फिलहाल मैं हो रही थी लेट, और जल्दी जल्दी मैंने कैब बुक कर दी, बिकॉज मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना था, और वो भी एकदम पीक टाइम पे, यानी कि ऑफिस आवर्स जब होते हैं सुबह 10:20 पे, वहाँ पे मुझे पहुँचना था एग्जैक्ट शार्प 10:20 पे. तो मैंने कैब बुक की और मुझे इतनी एनजाइटी हो रही थी, ऐसा लग रहा था लिटरली आज मेरा कोई एग्ज़ाम है या फिर मैं वाइवा देने जा रही हूँ. और आज मुझे अपनी जर्नी पे बात करनी है, आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, वहाँ मैं कैसे पहुँची, क्या मुझे मुसीबतें आई. तो वो सारी फ्लैशबैक्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी. यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है चक्कर खा के गिर जाऊँगी मैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ. सो ये बोर्ड देख के आपको समझ आ ही गया होगा. तो गाइज, आई गॉट इन्वाइटेड बाई जोश टॉक्स फॉर दिस सेशन. सो गाइज, दिस वॉज द सेटअप. ये उनका स्टेज था और मेरा माइक वगैरह सब कुछ सेट हो गया था. आई वॉज नर्वस, बट ये जगह पे जाने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन. यूट्यूब ने मेरा इतना हेल्प किया है, मेरे लिटरली हाथ पैर कांपते थे किसी भी स्टेज पे जाने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इवन क्लास में भी अगर मुझे खड़े होके कुछ बोलना पड़ता था. But literally, you guys have helped me a lot and I am so grateful and I am so thankful to each one of you जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला. उसके लिए तो ऑब्वियसली मैं जोश का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बट जोश के साथ साथ मैं आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से. गाइज, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर अपना शूट कम्प्लीट करना था, एंड कैन यू बिलीव मैंने आधे घंटे में किया है. मीन्स
आधा घंटा बच गया मेरा एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि जितना स्पीड होना चाहिए एक्चुअल में उतना ही था. अदरवाइज वो लोग थोड़ी यू नो फास्ट फॉरवर्ड भी करते हैं वीडियोज़ को एंड ऑल. तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस. और कमरे से बाहर आने के बाद सब पूछ रहे थे हो क्या. और अभी मैंने आते आते देखा है कि अनिमेश सर किसी को ऐसे कर रहे थे. मीन्स अच्छा लगा उनको एंड द स्टाफ ऑल्सो वॉज वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छे थे. ऐसा लग रहा था पॉजिटिव लोगों से आप सराउंडेड हो. तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो बस फ्लो में निकल ही रहा है. तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल. ये देखिए गाइस जोश. हाउ इज़ द जोश? हाई सर. वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे ये देख के. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचूँगी या फिर मैं काबिल भी हूँ इसके. और ट्रस्ट मी, जब मुझे मैसेज आया था ना इंस्टाग्राम पे आया था एक्चुअली कि वी वांट टू डू दिस सेशन विद यू एंड ऑल, तो मैंने दो तीन बार पहले तो देखा कि ये पेज सही में है भी है या फिर किसी का फेक पेज है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था. तो फिर मैंने देखा कि नहीं, इट वॉज़ अ जेन्यून पेज एंड एक्चुअल में वो उनका ही है. तो आई वॉज फीलिंग लाइक वाओ. तो फिलहाल घर पे जाके मिलते हैं आपसे, क्योंकि बहुत गर्मी है तो मुझे कैब बुक करनी है. बाय बाय. गाइस कैब खड़ी है सामने और मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ. शर्म आनी चाहिए मुझे, तो गर्मी इतनी है. भैया 9239. एंड गाइस अभी मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. जितना मैं नर्वस थी जाने के टाइम पे, जितना मेरे को स्ट्रेस और टेंशन था, अभी मैं उतनी रिलैक्स्ड हूँ. और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जोश टॉक्स ने ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इस काबिल भी समझा कि मेरी जर्नी मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ. सो मैंने सब्सक्राइबर्स का भी जिक्र कर दिया है उधर और आपको थैंक यू भी बोल दिया है. तो जब वो आएगा मैं वो भी दिखा दूँगी आपको मेरे चैनल पे कि वो टॉक शो आ गया है. तो जाके वो भी ज़रूर देखना. तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए. बाय.